आप लोगों ने वीडियो को स्किप कर दिया तो गेम आपका कुछ इस तरह से वर्क करेगा। आप देख सकते हैं गेम आपका कुछ इस तरह से वर्क करेगा, जैसे किसी स्कूटर के आगे का पहिया निकाल दिया जाए तो कैसे चलता आएगा, घड़ 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 कुछ इसी टाइप से आपका गेम वर्क करेगा। लेकिन अगर आप लोगों ने ये वीडियो पूरी देखी, एंड तक देखी और मेरे बताए स्टेप्स को फॉलो किया, तो आपका गेम किस तरह से प्ले करेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं गेम कितने बेहतरीन तरीके से वर्क कर रहा है, बिना हैंग करे, और भाई क्या स्पीड मिल रही है यार। गेम आपका बिल्कुल मक्खन की तरह वर्क करेगा, बिल्कुल रेसिंग कार की तरह एकदम, बिल्कुल भाई यार बस यार फाड़ डालो यार इस गेम को खेलते खेलते तुम लोग, यार इतना मजा आएगा तुम लोगों को एक गेम खेलने में। तो यार इस गेम में मैंने आपको लास्ट में कुछ सेटिंग्स बताई है, तो आपको वो सेटिंग्स भी करनी है। गेम डाउनलोड करने का फुल प्रोसेस मैं आपको इसी वीडियो में दे दूंगा, तो प्लीज यह वीडियो स्किप बिल्कुल भी मत करना, वरना आप इस गेम को अपने एंड्रॉइड डिवाइस में नहीं चला पाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार गाइस आप डिस्क्रिप्शन को पे आप इस टाइप की लिंक पे आ जाएंगे, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे गॉड ऑफ चेन्स ऑफ ओलंपिया के स्क्रीनशॉट्स थोड़े थोड़े देखने को मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट कितने शानदार हैं। तो फ्रेंड्स ऊपर जाके आपको यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा PPSPP गोल्ड का, तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एक इम्यूलेटर के जरिए ही वर्क करेगा जिसका नाम है PPSPP गोल्ड। आप इम्यूलेटर भी यूज़ कर सकते हैं प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, तो गोल्ड बेस्ट होता है और ये पेड भी है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देख सकते हैं आप मीडिया फायर के लिंक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी डाउनलोड करने में। उसके बाद बैक जाइए, थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन कीजिए, तो नीचे की साइड आपको देखने को मिल जाएगा एक और डाउनलोड का आइकन। ये आपके गेम की ISO का आइकन है, मतलब जिप फाइल का आइकन है। तो आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 89 MB की फाइल है, तो इसको भी डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद अपना प्ले स्टोर ओपन कीजिए, प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आप इसे सर्च कीजिए जेड़ा अचीवर, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, काफ़ी कम MB की एप्लीकेशन है। उसके बाद अपने मोबाइल स्क्रीन पे आने के बाद आप देख सकते हैं मैंने जेड़ा अचीवर डाउनलोड कर लिया है, तो इसे ओपन करते हैं, कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद अपने उस साइट पे चले जाइए जहाँ पे आपने गेम को डाउनलोड करके रख रखा हो, तो मैंने SD कार्ड में रख रखा है, तो मैं SD कार्ड में जाता हूँ। तो यहाँ पर आपको गेम की जिप फाइल मिल जाएगी, इस पर टैप कीजिए। इस जिप फाइल पे आप क्लिक कीजिए, सेकंड ऑप्शन एक्सट्रैक्ट, अपने डिवाइस मेमोरी में जाइए, आप इसको कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हो। तो मैं PSP के फोल्डर में चला जाता हूँ, गेम्स में चला जाता हूँ मैं, तो यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दिए, तो हमारी एक्सट्रैक्टिंग काफी फास्ट हो रही है। तो मैं वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ। तो गाइस हमारी एक्सट्रैक्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद आप चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ। तो यार गाइस हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ चुके हैं, तो आपको PPSSPP गोल्ड को ओपन करना है। सेटिंग्स में आपको जाना है, एक सेकेंड, हाँ आपको यहाँ से सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको ये बफर एंडिंग होगा, आपको इस बफर एंडिंग पे सेट होगा, आपको स्किप डॉट पे क्लिक कर देना है, और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो देखते हैं, नहीं बस हाँ आपको बस इतना ही करना है। फिर बस एक चेंज से आपका पूरा गेम बड़े बेहतरीन तरीके से वर्क करने लगेगा, आपको यकीन नहीं। तो आप उस साइट पे जाए जहाँ पे आपने गेम को रख रखा हो, तो मैंने PSP गेम्स पर रख रखा था, आप होम स्क्रीन पे आके आप देख सकते हैं आपने जिस भी फोल्डर में रखा हो। तो यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, तो यार गेम बड़ी ही शिद्दत से, बड़ी ही प्यार और मोहब्बत से स्टार्ट हो चुका है। तो यार गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, और हमें आप कमेंट कर सकते हैं किसी भी नए गेम के बारे में। तो फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाइयों यार मेरी जो वीडियोस है यार उनमें थोड़ी टाइम लग जाती है यार, मैं लेट वीडियोस अपलोड करता हूँ, इसलिए कभी कभी एक साथ दो वीडियोस अपलोड करता हूँ। वो क्या यार मेरे वीडियो अपलोड करने में यार बहुत देर हो जाती है यार, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है यार, काफ़ी टाइम लग जाता है, मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है। तो
मेरा एक्चुअली मॉर्निंग का स्कूल है, मतलब दिन का स्कूल है मेरा, तो दिक्कत हो जाती है। तो इस वजह से फ्रेंड्स, मैं अपने मेरा जो चैनल है उसमें मैं 50 वीडियोस तक का टारगेट रखूँगा। 50 वीडियोस के बाद मैं 1 ईयर के लिए अपना चैनल जो बंद करूँगा, मतलब चैनल बंद नहीं करूँगा, मेरा चैनल चालू रहेगा बट मैं कोई वीडियो नहीं डालूंगा। फिर 1 साल बाद, मतलब 2019 में मैं इसमें वापस से वीडियो स्टार्ट करूँगा। तो अभी 50 वीडियोस कंप्लीट नहीं, इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अभी तो वीडियोस आती रहेंगी और बेहतरीन गेम्स आते रहेंगे। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। गेम प्ले इंजॉय कीजिए। Thrown in a hurricane, spinning in chaos, trying to escape the flame. Yesterday.